नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारत ने रचा इतिहास, इसरो ने एक साथ किया 20 उपग्रहों का प्रक्षेपण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बुधवार सुबह एक साथ रिकॉर्ड 20 उपग्रहों का प्रक्षेपण कर इतिहास रच दिया। इनमें 17 विदेशी और 3 देशी उपग्रह शामिल हैं। इसरो के अध्यक्ष एस किरण कुमार तथा अन्य वैज्ञानिकों की मौजूदगी में चेन्नई स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से सुबह 9:26 पर ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV-T34 जैसे ही 20 उपग्रहों को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ। नियंत्रण कक्ष में वैज्ञानिकों की निगाहें कंप्यूटर स्क्रीनों पर जम गई। लगभग 9:53 बजे जैसे ही मिशन पूरा होने का संकेत मिला, सभी खुशी से झूम उठे। वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को बधाई दी। इस मिशन के तहत इसरो के उपग्रह कार्टोसैट 2 के अलावा 2 उपग्रह भारतीय विश्वविद्यालयों के हैं। इसके अलावा 17 अन्य उपग्रह अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और इंडोनेशिया के हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों ने एक साथ 20 उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। बिहार में भारी बारिश और आंधी तूफान में 57 लोगों की मौत। बिहार में भारी बारिश और आंधी तूफान के चलते 57 लोगों की मौत हो गई है और 24 अन्य घायल हो गए हैं। प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन व्यास ने बताया कि मंगलवार से बिहार में आंधी तूफान और वर्षाजन्य हादसों में 57 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 24 अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि पटना जिले के विभिन्न हिस्सों में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि बक्सर जिले में 5 लोगों की मौत हुई है। नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पूर्णिया में 4-4 लोगों की मौत हुई है जबकि कटिहार, सहरसा और सारण जिले में 3-3 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर जिलों में 2-2 लोगों की मौत हो गई जबकि बांका, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण जिलों में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। योग विज्ञान है, रूढ़ी या धर्म सिद्धांत नहीं, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देश में गरीबी को बीमारियों का महत्वपूर्ण कारण बताते हुए बुधवार को कहा कि योग के जरिए पूरी तरह स्वस्थ हुआ जा सकता है क्योंकि यह एक विज्ञान है, कोई रूढ़ी या धर्म सिद्धांत नहीं है। अंसारी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय की ओर से आयोजित 2-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में कहा कि गरीबी अस्वस्थता को जन्म देती है क्योंकि गरीबी के कारण लोग ऐसे वातावरण में जीने को विवश होते हैं जहां समुचित आवास, स्वच्छ पेयजल अथवा साफ सफाई का अभाव होता है। उन्होंने कहा कि योग को जीवन में अपनाकर बीमारियों से मुक्त हुआ जा सकता है। योगाभ्यास करने वाले अधिकांश व्यक्ति इसकी उपयोगिता प्रमाणित करते हैं। सीरिया की लड़ाई में 700 डॉक्टर तथा चिकित्सा कर्मी मारे गए। सीरिया की 5 साल की लड़ाई में 700 डॉक्टर तथा चिकित्सा कर्मियों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं की जांच के अनुसार अधिकांश डॉक्टरों तथा मेडिकल कर्मचारियों की मौत हवाई हमलों से हुई। संयुक्त राष्ट्र की सीरिया संबंधी जांच आयोग ने आतंकवादियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन और अलकायदा से जुड़े नुसरा फ्रंट द्वारा लड़ाई के लिए सैकड़ों की संख्या में बच्चों के उपयोग की निंदा की है। आयोग के अध्यक्ष पाब्लो पिनहेरो ने मानवाधिकार परिषद को बताया कि सीरिया के हवाई हमलों में पूरे देश के अस्पतालों तथा चिकित्सा केंद्रों को लक्ष्य बनाया गया जिसमें मरीज भी मारे गए। इस्लामिक स्टेट ने फिर किया सीरियाई शहर रक्का पर कब्जा। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने दक्षिणी सीरियाई इलाके रक्का पर पुनः कब्जा कर लिया है। विपक्षी कार्यकर्ताओं ने बताया कि आईएस के कब्जे वाला यह प्रांत हाल ही में बशर अल असद के लड़ाके समर्थकों के कब्जे में था। ब्रिटेन स्थित मानवाधिकार संगठन के मुताबिक आईएस के आतंकवादियों ने सरकारी सेना को तबका से 40 किलोमीटर दूर रक्का शहर के पश्चिम की ओर खदेड़ दिया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।